देखो क्या लिखा है, सी देखो, ये देखो, ये आपने सर्कल बनाया, सेंटर, इसका सर्कल का सेंटर क्या है, 3.0 ठीक है, इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है, इसका सर्कल क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सेंटर क्या क्या आ गया, 3.0 माइनस 1, रेडियस कितना आ गया 3, और रेडियस कितना आ गया 1, c1 c2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो एक्सटर्नली टचिंग का केस है, ये कितना हो जाएगा, ओके अब ये क्या बोल रहा है, शो दैट द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा तो बेटा ये 3 है ये 1 है, ठीक है, जब यहां से परपेंडिकुलर बनेगा ऐसा, यहां से बनेगा मान लो, और ये कॉमन टेंजेंट बना ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, नेक्स्ट, अच्छा अभी तो ये निकाल सकते ना अपन, ये 3 है ये माइनस 1 है, ये रेशियो क्या रहा होगा, ये एंगल थीटा निकाल सकते हो क्या आप, निकल गया 30 एंगल बना रहे, फिर वहां से 30 और माइनस, देखो ये 3 है ये 1 है, अच्छा ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकाला आपने ये वाला, माइनस पॉइंट निकाला, कितना आ रहा है, माइनस 3.0, तो रुको एक बार इससे ट्राई कर, ये 30 बन रहा, देखो मुझे सिमिलैरिटी से रेशियो मालूम है, क्या मालूम है कि भाई ये वाला 1 पार्ट है ये 3 पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट बाय होल, पार्ट बाय होल, तो ऑब्वियसली अगर ये x होगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, तो ये कितना होगा पूरा वाला, ऑब्वियसली 3x, पूरा 1:3 रेशियो है ना, अच्छा अब हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, निकाल लेते हैं, चलो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से निकाल लिया जाए, ये है 3.0, ये है -1.0, और ये पॉइंट मुझे निकालना है, ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट x, y है, 1:3 का रेशियो है, ठीक है, ओके देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 यूनिट की दूरी है, ये 3 पूरा लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये 1 लिखा है, अब देखो 2 पार्ट है 4 यूनिट है, ठीक है, तो एक पार्ट मतलब 2 यूनिट होगा, तो इससे 2 यूनिट और कितना हो जाएगा, -3.0 हो जाएगा, एग्री, ओरली निकाल सकते हैं, तो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो -3.0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, तो ये नेट कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 30 डिग्री आ गया, सॉरी यहाँ से पता चल गया ये वाला एंगल, ठीक है, 30 डिग्री ये वाला आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये वाला बेटा आ जाएगा 60 डिग्री, अब आपको सब कुछ निकाल सकते हो आप, ये 30 है, नेक्स्ट ये वाला कितना होगा टेंजेंट 90, ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, कौन सा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा है ना इस ट्रायंगल में, 30 एक आ गया, 90 एक है, तो एक 60 होगा, ज्योमेट्री से आ गया फटाफट, है ना, ओके नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं, चले ठीक है भैया, आगे इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सिटीज ऑफ द सर्कल एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑन, तो इसका आंसर लिखा नहीं हमने, तो हमें लिखना है, मतलब क्या है, मतलब अच्छा ये बहुत बेकार बन रहा था ना, एक क्वाड्रेंट है, बेकार बन रहा है, नंबर ऑफ सिटीज की क्वाड्रेटिक बनी -2 -1, नंबर ऑफ सिटीज कितनी आ रही है, 4, ठीक है, इसको ज्यादा हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, बट यहाँ तक आपका आ जाना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है ना, चलो ये वाले में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सिटीज, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट
ओके चलो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। लिखो ये होमवर्क में लिख लो, इफ टू सर्कल्स कट द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली प्रूव दैट देयर कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल, ठीक है। क्या करोगे देखो, S1 minus S2 equal to 0 लिखोगे और उधर से दूसरे के लिए लिखोगे, ठीक है ना। चले नहीं नहीं प्रूव दैट द कॉमन कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, आपको प्रूव करना है सेंटर से वो पास हो रहा है तो सेंटर उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो ये वाला लिखो, ये कर लो क्वेश्चन, एक बार इसको कर लेते हैं। देखो इधर रखो अच्छे से लिखो, टेस्टिंग करो ना, गिव अ ट्राई। देखो क्या लिखा है, टू सर्कल्स टच ईच अदर, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉमन टेंजेंट जो होगा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। इसकी इक्वेशन नहीं, टेंजेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल टू रेडियस है ना, यही बोल रहे थे करेक्ट। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी आपके पास, टू जी माइनस जी डैश इंटू एक्स टू एफ माइनस एफ डैश इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। रेडिकल एक्सेस ही होगी, ये रेडिकल एक्सेस ही होगी। अब हमें क्या बोलना है कि भाई ये टचिंग की कंडीशन है तो ये रेडिकल एक्सेस होगी, हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन वो ही तो रेशियो दिया हुआ है। अगर आप सी वन सी टू करोगे सो यू विल गेट दिस ओनली, प्रूफ इसका यहीं से तो आया था, ठीक है। अच्छा ये टेंजेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करेगा, इसके सेंटर से, मान लो ये सेंटर आपने ले लिया माइनस जी माइनस एफ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस के बराबर हो जाए, तो माइनस जी माइनस एफ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो इक्वल कर देंगे किसके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से। रेडियस क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ही तो है, रूट में है ना। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, तो क्या आ जाएगा, टू जी माइनस जी डैश, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस जी, प्लस टू एफ माइनस एफ डैश, वाई की वैल्यू है माइनस एफ, अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर जी माइनस जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ माइनस एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सही तो लिखा है, मॉड आ जाएगा इधर, टू टू कट जाएगा आपका फोर के साथ, हाँ इधर ओवरऑल ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना, कट गया।
उधर ले जाते हैं तो क्या जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी माइनस जी डैश, जी डैश है बेटा, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस एफ माइनस एफ डैश का स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डैश जी स्क्वायर ओके प्लस एफ माइनस एफ डैश का स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओपन करके चेक कर लो, हाँ एक और टर्म बच गया ना इसमें, एक और टर्म लिखना आपको, प्लस टू जी माइनस जी डैश एफ माइनस एफ डैश जी एफ, ठीक है ना। अब देखो g माइनस जी डैश का स्क्वायर g स्क्वायर के साथ कट जाएगा, फिर f माइनस f डैश का स्क्वायर f स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ओके बचेगा क्या यहाँ पे, g माइनस g डैश का स्क्वायर विद f स्क्वायर प्लस f माइनस f डैश का स्क्वायर विद g स्क्वायर, एग्री। और उधर 2 g माइनस g डैश f माइनस f डैश g f। अब इसको ओपन कर लो, कितना बच रहा है देखो एक बार, ये लास्ट स्टेप के बाद सिंपलीफाई कर लो। अच्छा ये तो मेरे को क्या दिख रहा है पता है आपको, ये मुझे क्लियर दिख रहा है, f f g माइनस g डैश माइनस g f माइनस f डैश का होल स्क्वायर लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो है ना, ये इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ जी माइनस एफ जी डैश माइनस जी एफ प्लस जी एफ डैश, ठीक है, इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, एफ जी जी एफ तो कट गया, नहीं करेक्ट, एफ जी डैश इज इक्वल टू जी एफ डैश हो गया, लिख लो, ओके ठीक है ना, लिख लो। थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेंस में मतलब जो अंडर रूट साइड है ना, उसको उससे पूरा आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दिया रूट के साथ, तो रूट हट गया, ठीक है ना, हाँ। देखो उधर लेके जाके स्क्वेयरिंग करा तो वो ये टर्म आ गया ना, स्क्वेयर रूट हटने के साथ सिर्फ ब्रैकेट्स आ गए, और राइट हैंड साइड तो a माइनस b का होल स्क्वायर फंड, a प्लस b का होल स्क्वायर फंडा लगाना पड़ा, ठीक है। देखो जब ऐसा दिया है कि टच ईच अदर की कंडीशन है तो हम लोग रेडिकल एक्सिस से ही लिख लेंगे टेंजेंट के इक्वेशन, अभी ये शॉर्टकट तरीका है आपके लिए, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका, दो सर्कल को टच करने वाले टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट रेडिकल एक्सिस। नहीं तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है, उसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्योंकि देखो दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब कट कर रहे हैं तो दोनों की साइमल्टेनियसली एक की वाई की निकाल के दूसरे में डालेंगे तो दो पॉइंट आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये टचिंग होगा तो परफेक्ट स्क्वायर एक्स में बनेगा, एक ही पॉइंट आएगा, ओके कर दे क्या, चलो बस ना, हो गया ना ये क्वेश्चन, चलो फटाफट थोड़ा करो, लेट्स राइट दिस, रुको ये हो गया ना प्रूफ, लेट्स गो फॉर दिस। अच्छा वो पुराने क्वेश्चन में सी वन सी टू इक्वल टू आर वन प्लस आर टू वाला फंडा भी कर सकते हो आप, दिया हुआ है ना सर्कल तो दिया हुआ है, तो सेंटर भी मालूम है आपको, रेडियस भी मालूम है, क्यों कट गया, कट क्यों गया, नहीं नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, इसको काटो मत, उसको लिख दो वहां के, दैट मेथड इज आल्सो करेक्ट, c1 c2 इज r1 plus r2, ठीक है ना, ओके वो गलत नहीं है। नेक्स्ट स्क्वेयरिंग करना ही पड़ेगा,
चलो ये देखो, find the equation to the circle which passes through the origin and cuts orthogonally each of these circles. ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ठीक है ना? देखो, जिनको कोई आइडिया नहीं है शुरू कैसे करना है उनके लिए, हाँ देखो जिनको कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो वो पहली मेथड ऐसा सोच सकते हैं, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है 2g1g2 2f1f2 c1 plus c2, इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाओ, इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाओ, जीएफसी में दो कंडीशन आ गई और ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, तो सी की वैल्यू 0 मालूम है, तो जीएफ में दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में जी और एफ की वैल्यू निकाल लो, सर्कल का सेंटर मालूम हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, x2 + y2 + 2gx + 2fy + c = 0 में xy 0 डालेंगे ना अपन, करेक्ट? तो देखो हम क्या करते थे, मेथड वन जो मैं बता रहा हूँ आप पहले करते थे ऐसी, व्हाट डू यू डू, एज्यूम अ सर्कल x2 + y2 + 2gx + 2fy + c = 0, ओके? तो यहाँ पे क्या आता था, इसका g कितना है -3, इसका f कितना है 4, इसका g कितना है -1, सॉरी f 0 है भाई, f 0 है, आई एम सो सॉरी, और f कितना है यहाँ पे -1, जी और एफ है तो नेगेटिव होगा, ठीक है? अच्छा तो अब हम क्या बोलते हैं, 2g1g2 + 2f1f2 c1 + c2, अच्छा c क्या है इसमें, c1 is 8, c2 is -7, तो 2g1 is -3, g2 is let's say g, 2f1 is 0, तो ये तो 0 हो गया, it is 8 -7, तो पता क्या चला आपको, -6g is equal to 1, g का वैल्यू, अच्छा सॉरी नहीं, c2 0 है तो ये तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना, तो -6g is equal to 8, g आ जाएगा -8/6 which is -4/3, ठीक है? अच्छा सिमिलरली दूसरे के लिए लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2g minus 1 2f minus 1 is equal to 7 minus plus c2 is 0, भाई एक सी तो जीरो है, हम निकाल के आए थे पहले जो सर्कल ढूंढना है इसका सी जीरो, तो क्या देगा -2g -2f इज -7, ठीक है, जी -4/3 आपका, तो 8/3 -2f इज -7, सो 2f इज 8/3 + 7, कितना आ जाएगा 29/3, f का वैल्यू 29/6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्लियर है? यही आ रहा है सबका, अब अपना कैलकुलेशन भी चेक कर लो, मैच हो जाए हमारा, है ना, यही आ रहा है, तो जी एफ सी बेटा आपको पता चल गया, सर्कल आ चुका है, अपना काम खत्म, ये मेथड वन ऑफ डूइंग है, ठीक है, कर लिया आपने मेरे साथ, अब मेथड टू देखो, मेथड टू क्या बोलता है, मेथड टू बोल रहा है आपको एक सर्कल चाहिए जिसको दो सर्कल ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि उनका जो सेंटर होगा वो s1 - s2 = 0 पे लाई करेगा, उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, क्या जाएगा -6x + 8 - + 2x + 2y + 7 = 0, ठीक है, तो आ जाएगा -4x + 2y + 15 = 0, ओके, एग्री? अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सो लेट अस से दैट सेंटर को मैं अज्यूम करता हूं एक वेरिएबल पॉइंट में, तो मैं बोल देता हूं कि मेरे मान लो x का वैल्यू t है, तो y कितना हो जाएगा 4x - 15 = 2y, तो y हो जाएगा 4x - 15/2 which means 4t - 15/2, एग्री? अब यहां से जब मैं पॉइंट को पुट करूंगा किसी भी एक सर्कल में,
तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ध्यान समझना, ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ से जब मैं ओरिजिन का डिस्टेंस निकालूंगा वो भी रेडियस होगा। सो यहाँ से मुझे कंस्ट्रेंट क्या मिला कि व्हेन आई पुट दिस पॉइंट इन एनी ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, सो लेट्स पुट इट इन दिस, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 15 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 40 माइनस 15 बाय 2 प्लस 8 इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, ये तो x है भाई, तो माइनस 6 टी प्लस 8 ये किसके बराबर है? ये जो वैल्यू आती है बेटा, ये s1 आता है, तो इसका जो रूट होता है ये रेडियस है, ठीक है, ध्यान समझो, रूट ऑफ s1 इज r, तो ये r है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? t का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 15 बाय 2 का होल स्क्वायर का रूट, एग्री? करना क्या है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी है आपने, ये हट जाएगा टी स्क्वायर हट जाएगा, ये हट जाएगा, इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चला, 60 का वैल्यू 8 आ गया, टी का वैल्यू 8 बाई 6 4 बाई 3 आ गया, देख लो, ठीक है ना, सही है, क्या रहना चेक कर लो, ठीक है, टी आपका माइनस जी होता है बेटा, ठीक है ना, ये माइनस जी और माइनस एफ, ओके, तो ये 4 बाई 3 आ गया आपके पास, ओके, तो 4 बाई 3 सेंटर है, तो जब सर्कल में जाएगा तो माइनस 4 बाई 3 जाएगा, या ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें, हाँ जो भी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें, सेंटर मालूम है सर्कल का इक्वेशन, मेन सेंटर इज एच कॉमा के, आपको आता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर मिस्टेक अगर करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ जाएगा, ठीक है, हाँ वो ये वैल्यू ही है, इधर पुट कर लो और वैल्यू निकालो उसका, ठीक है, पुट 4 बाई 3 करेंगे t की वैल्यू, g तो पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है, 4 बाई 3, ओके, लिख, चलो, तो एक मेथड और भी था, बस अब ज्यादा टेंशन मत लो, अब हो गया, अभी क्वेश्चंस हैं मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको सर, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो उनको, यस बेटा सर, इसमें हमने एक्स वाई पहले तो कुछ छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन किया, फिर उसको मतलब हमने रेडियस से इक्वेट, पॉइंट को जहां से टेंजेंट बनाते हैं अगर उसको सर्कल में डालते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है, इसीलिए वो रेडियस के बराबर है, ठीक है, चलो अब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है, लिख लो इसको, मतलब सॉरी फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट ये भी ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिखना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस हो गया आपका, दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू एट होम, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये हम लोग कर चुके हैं, दिस वी हैव डन, पहले किया था, ठीक है ना, अब इसको रेडिकल एक्सिस से भी कर सकते हैं, एस वन माइनस एस टू सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, ठीक है ना, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इस तरीके से भी करके देखना, ठीक है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, लेट्स डू दिस, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर सर्कल से हम कंक्लूड करेंगे, करेक्ट, ठीक है ना, क्या लिखा है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स
described on the sides of the triangle as the diameter. तो हमें पता है radical center कहाँ lie करता है? ऑर्थो सेंटर इस ट्राइंगल पे लाई कर सकते हैं. कल मैंने बताया था आपको, यस कि भाई एक ट्राइंगल आप रैंडमली बना लो. हाँ, एक सर्कल बना लो आप और एक दूसरा सर्कल यहाँ से बना लो आप. ये दोनों डायमीटर है इसके लिए, ठीक है ना. सो व्हाट विल हैपन इज, ये देखो ये पॉइंट जो ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना, दिस डेफिनेटली हैज टू लाई ओवर हियर. इसको यहीं पे लाई करना है. बताओ उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब इसको यहाँ पे ट्राइंगल पे ही लाई करना है. उसके पीछे रीजन क्या पता है? मान लो ऐसी फिगर बन रही है तो ये 90 इधर बनाएगा और ये 90 इधर बनाएगा. एग्री? तो क्या एक पॉइंट से एक लाइन पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो सकते हैं? नहीं. सो डेफिनेटली डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब ये फिगर बना हुआ है तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ताकि यहीं पे दोनों 90 बनाएंगे. अच्छा 90 क्यों बनाएगा? क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर 90 बनाता है. यस करेक्ट. ये जो AD है ये ऑल्टीट्यूड है. वैसे ही दूसरा जो दो सर्कल का पेयर लिया तो दूसरा एल्टीट्यूड आएगा और तीसरा. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा AD एल्टीट्यूड है साथ ही साथ रेडिकल एक्सिस भी है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर ही होगा ऑल्टीट्यूड का और रेडिकल एक्सिस का रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है. और कहां से होगी इसके अलावा? इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस और कहां से होगी? वो होगी ना, वो दूसरी होगी. देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाला आपने ले लिया, ठीक है ना, अब इसकी भी तो होगी ना बेटा. ऐसे ही तो बोल रहा हूँ, दो दो की आप अगर तीन पेयर्स लोगे तो तीन ऑल्टीट्यूड आएंगे ना अपने पास, समझ गए क्या? ये फिर एक डायमीटर बनेगा. अब देखो एक्चुअली मैं ये हमने वर्टेक्स से बनाया है, ये ऐसा बनेगा. जैसे थोड़ा सा ऐसा, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे कट करे. इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा. फिर जब नीचे वाले का हमने बनाया तो कुछ ऐसा बना सर्कल, सच दैट ऐसे बन रहा, ठीक है ना, ठीक है. मतलब ऐसा आप सोचो ना, जो हमने फिगर बनाया था, मान लो ये फिगर मैंने बनाया था और ये फिगर मैंने बनाया था, समझे कि नहीं. अब जो तीसरा सर्कल बनेगा वो यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा इसको, ऐसा. अभी हम लोग प्रॉपरली बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से पास करेगा तभी ये ऑल्टीट्यूड होगा ना इसका, ठीक है. Something like this I'm talking about, something like this, ऐसा, ठीक है, okay. चलो तो ये नोट कर लेना आप. इसका ऑर्थो सेंटर निकाल लिया आपने. देखो ये और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है. अरे निकालना ही नहीं पड़ेगा, देखो बहुत शॉर्टकट है. ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, यस. तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो वर्टेक्स 90 बनाती है वही ऑर्थो सेंटर होता है. बातें मत करो, दे मना. मैं भी तो कभी स्टूडेंट था. देखो जल्दी जल्दी करो, चलो फटाफट. ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड्स मेकिंग 90 डिग्रीज. तो ये ऑर्थो सेंटर ही है आपका. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर होगा और वही आपका रेडिकल सेंटर भी होगा. ठीक है, करेक्ट. y 2 आ गया तो x 1 आ जाएगा, तो 1,2, ठीक है ना, ओके. ओके चलो, तो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का है और फिर क्लास को सर्कल्स बंद करते हैं, ठीक है ना. देन वी विल स्टार्ट विद पैराबोला. हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया.